हेलो प्यार भाई, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और आपकी तैयारी काफ़ी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी, थोड़ा जी जान से लगे होंगे। और हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति, पढ़ रहे हैं जिसमें आपकी दो क्लास हो चुकी है त्रिकोणमिति के ऊपर, ठीक है? तो आज आपकी तीसरी क्लास होने वाली है त्रिकोणमिति के ऊपर। हम लोग पढ़ रहे हैं एकदम जो बेसिक बेसिक से क्वेश्चन, आपके जो मैक्सिमम आपके पेपर में सवाल वहीं से बनते हैं, उसी कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। आपको पता है जो सबसे आपके ज़्यादा एग्जाम में पूछता है ना, आप पेपर उठा के देखेंगे ना, पिछला पेपर, वो आपके जो यहाँ पे ट्रिपलेट से, ट्रिपलेट मतलब जो आपकी पाइथागोरस थीरम से, जैसे आपके साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे दे दिया 24/25 दे दिया, तो आपसे पूछेगा बस निकालिए आप कॉट थीटा के, निकालिए वैल्यू। तो ये आपका सवाल, ये सबसे ज़्यादा आपका एग्जाम में पूछता है। जैसे आपका आइडेंटिटी के ऊपर दे दिया, जो आपके तीन होती आइडेंटिटी जो होती है, तीनों आइडेंटिटी के बारे में पूरा गहन हम लोगों ने पूरा डिस्कस किया था, उसको पूरा डीपली पढ़ा था, ठीक है? जाके पहले वीडियो को देखेगा आप, हर एक कंसेप्ट को आपके पूरा बारीकी से पूरा डिटेल में उसको समझा था वहाँ पे, ठीक है? अगर जो लोग नहीं देखे हैं पहले वीडियो को, जाके देखिए वहाँ पे कितना आपको डिटेल से हमने समझाया उसको ना। और आपको पता है यहाँ पे सारे के सारे जो क्वेश्चन पढ़े हैं, सबके सब अपडेटेड पढ़ रहे हैं, जो आपके रिसेंटली आपके जो एग्ज़ाम हुए हैं सारे के सारे हम वहाँ से क्वेश्चन लिए हैं। क्योंकि आपको लगे कि एग्ज़ाम का लेवल क्या इस समय चल रहा है, ऐसा नहीं कि आपको 5 साल पहले का क्वेश्चन कराएं, और इस समय जो आपका दौर चल रहा है वो आपका 5 साल पहले का और आज का देखा से काफ़ी फर्क आपका आ रहा है। आपको पता है कि एग्ज़ाम में जो आपका एग्ज़ाम में ना सवाल जो आपका यूज़ कर रहा है, डाटा कितना कठिन कठिन आपका यूज़ कर रहा है, तो है कि नहीं? पहले का जो आपका यहाँ पे सवाल है, आज का सवाल है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट आपका हो चुका है। तो प्यारे भाई, यहाँ पे आपको पता है कि सारे सारे जो आप कराएंगे क्वेश्चन ना, वो सब के सब अपडेटेड होंगे, एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, और सॉल्यूशन भी आपको एग्जाम ओरिएंटेड ही देंगे आपको, ठीक है? फर्जी का एक भी आपका यहाँ पे ना तो सॉल्यूशन होगा ना तो क्वेश्चन होगा, ठीक है? वीडियो को ज़्यादा आप अपने दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिए, जितने भी आपके पास ग्रुप हो, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, आपके फेसबुक ग्रुप हो, इंस्टाग्राम पे आप डालिए अगर, ठीक है? तो प्यारे भाई, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। आपके सामने देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस के पेपर का पूछा हुआ है। इस सवाल को आप ना मुश्किल से 10 से 15 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। देखिए पता है आजकल क्या है, अभी दिखाएंगे आपको, जितने आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतने आप सवाल को इजीली करेंगे, उतने आप एकाध दो स्टेप अपने माइंड में करेंगे। अगर आपके पास प्रैक्टिस नहीं है ना, तो चीज़ों को कुछ जो आप स्टेप एकाध दो स्टेप काटेंगे पेपर, वो काट नहीं पाएंगे, है कि नहीं? क्योंकि उसके पीछे आपको इमेजिनेशन पावर आपकी, मतलब ऑब्जर्वेशन जो पावर आपकी होनी चाहिए, तो ऑब्जर्वेशन पावर आपकी तभी मतलब आएगी जब बहुत सारे आप क्वेश्चन के प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा नहीं कि अब जैसे कोई नया लड़का है जुड़ रहा, ठीक है, वो क्या करेगा, हर एक स्टेप को लिखेगा, क्योंकि अगर दो स्टेप पता है मगर माइंड में मान लीजिए कर भी दिया, अगर जो तीसरा स्टेप जाएगा तो दो स्टेप पीछे का भूल जाएगा, है कि नहीं? तो इस चीज़ को, दो अपने जो स्टेप उसको माइंड में भूला ना, उस चीज़ को कवर करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतना चीज़ें आपको आसान लगने लगेंगी कुछ समय के बाद, है कि नहीं? आप सोचिए कि मतलब यहाँ 10 20 50 क्वेश्चन से कल्याण हो जाए तो होने वाला नहीं है, कम से कम हर एक आपके यहाँ पे चैप्टर पे ना कम से कम 200 से 250 क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। मतलब आपको तो हर सवाल, मान लीजिए आप, हमको लगता है कि एग्जाम में ना अगर 100 क्वेश्चन करके भी जाए तो आपको एग्जाम में तो मतलब मिल जाएगा, लेकिन कर नहीं पाएंगे जो आपका टाइम होता है एग्जाम में। तो उस चीज़ को, टाइमिंग जो आपकी वहाँ पे होती है उसके अकॉर्डिंग अगर करना चाहते हैं तो आपको मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और 100 150 सवाल से काम नहीं चलने वाला, कम से कम 250 से 300 क्वेश्चन करना पड़ेगा, ठीक है? तो आपको यहाँ पे त्रिकोणमिति में आपको खुद करवाएंगे, आप देखेगा करीब करीब 250 300 क्वेश्चन आपके हो ही जाएंगे लास्ट तक आपके ना, वैसे इतना दिन खत्म आपके होने वाले नहीं है, पूरा आपको डिटेल में समझाएंगे, पूरे आपके यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, गारंटी है, पूरा अपडेटेड मिलेगा, पूरा आपको एकदम टॉपिक वाइज मिलेगा और लेवल वाइज मिलेगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि यहाँ पे खिचड़ी की तरह आपको पकाएंगे, मतलब हाँ ये क्वेश्चन यहाँ के लिए पूरा कठिन कर दिया फिर आपको आसान कर दिया, नहीं, हर एक सवाल आपका जो आने वाला सवाल होगा वो पिछले वाले संबंधित आपका होगा, हर एक सवाल आपका जो होगा वो पिछले से क्या होगा, संबंधित होगा होगा, ठीक है? तो आगे चलते हैं, सवाल देखिए यहाँ पे करते हैं, ठीक, बहुत बातें यहाँ पे नहीं करेंगे हम, बहुत बातें हमको आती भी नहीं है। आपके सवाल देखिए यहाँ पे सामने, सवाल जो दिया यहाँ पे है,
वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जो दिया 625 बटे आपका 49। आपसे पूछा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कि जो होल पावर कितना, 1/2, 1/2 एक दिखा क्या रही है, 1/2 आपका दिखा रही है यहाँ पे रूट में होता है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू आपसे ये पूछा है, आपसे ये पूछा है तो क्या करेंगे आप बताइए। वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये आपकी होती आइडेंटिटी होती है, ताकि आप देख लीजिएगा ठीक है। अब बार बार हम रिवाइज यहाँ पे क्या करें, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा से होता है आपका कोशिक स्क्वायर थीटा होता है। अब यहाँ पे कोशिक स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या आपकी आ जाएगी, कोशिक स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपकी निकलेगी 625 बटे आपकी 49 निकलेगी। यहाँ दोनों पक्षों को आप वर्ग बोलेंगे दोनों साइड का, तो कोशिक थीटा की जो वैल्यू आपके निकल के आएगी कि 25/7 आ जाएगी ठीक है। आपका जो कोशिक थीटा क्या होता है, आपका हाइपोटेनियस अपन में जो होता है परपेंडिकुलर होता है, ये जो होता है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस होता है ये आपका परपेंडिकुलर होता है। तो बेस कितना आपका आ जाएगा, आपको पता है 7 24 आपका 25 होता है, तो 24 आपका क्या आ जाएगा, 20 आपका आ जाएगा है ना। 24 आपका क्या आ जाएगा, 20 आपका आ जाएगा। आपसे पूछा है इसकी वैल्यू, आपसे पूछा है तो क्या आ जाएगा रूट में। साइन क्या होता है, कोशिक का उल्टा होता है, अगर कोशिक की वैल्यू 25/7 है तो साइन की वैल्यू क्या आ गई, 7/25 मिल जाएगी, ऐसा होगा। यहाँ पे कॉस क्या होता है आपका आधार बटे कर्ण, बेस अपन में क्या हाइपोटेनियस होता है, बेस कितना आपका 24 आया निकल के और हाइपोटेनियस कितना 25 आपका आया, तो 7/25 प्लस कितना 24/25 इसको जोड़ेंगे। यहाँ पर देखिए इसका क्या है, ये जो हर आपका यहाँ पे बराबर है तो ऊपर का ऊपर क्या जुड़ जाएगा, तो क्या मिलेगा आपका 31 अपान में क्या 25 मिलेगा। इसको आप लिख सकते हैं क्या, रूट में 31 अपान में कितना, ये आपका 5 आपका आ जाएगा, तो रूट में 31 अपान में 5 आपका आ जाएगा। ऊपर का वर्गमूल निकलेगा, नीचे का वर्गमूल निकालेंगे, 25 का जो वर्गमूल आपका क्या निकलेगा, 5 आपका आ जाएगा ठीक। चलते हैं आपके नेक्स्ट आपके सवाल पे, ये सवाल देखिए लेटेस्ट आपका देखिए 2023 का, इससे आपका अपडेटेड कहीं नहीं मिलने वाला ठीक है। सवाल देखिए यहाँ पे, सवाल जो आपका यहाँ पे दिया है साइन टी प्लस कॉस टी इज इक्वल टू आपका जो दिया है 4/5 दिया, तो आपसे पूछा है साइन टी इंटू में कॉस टी की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको पता है बता दें आपको, अगर हम यहाँ पे दोनों पक्षों को वर्क करेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, अगर ये जो आपका दिया है साइन टी प्लस कॉस टी इज इक्वल टू जो दिया आपका 4/ कितना दिया है 5 दिया है, अगर दोनों पक्षों को हम यहाँ पे क्या करें वर्क करें है ना, दोनों पक्षों का करेंगे यहाँ पे वर्क करेंगे तो क्या मिलेगा, ये आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी, ये आपका 2 साइन टी इंटू में कॉस टी हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी आपका ना, इधर 4/ आपका 25 है, कितना आपका आएगा 16/ आपका 25 आपका आ जाएगा, 4/5 है, 4/5 का आप होल स्क्वायर करेंगे तो 4 का वर्ग आपका 16 मिलेगा, 5 का वर्ग कितना 25 आपका मिल जाएगा। ये आपकी दिखाई यहाँ पे क्या दे रही है, इसकी वैल्यू क्या हो सकेगी, इसकी वैल्यू आपकी 1 आ सकेगी, 1 को आप उधर ले जाएंगे, 1 को आप उधर ले जाएंगे तो क्या होगा माइनस आपका आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू आपके जो 1 आएगी उसकी वैल्यू आपकी 1 आपकी आ जाएगी यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 25 करने में कितना 25 में से आप क्या करेंगे 16 घटाएंगे, 16 माइनस 25 आपका ना, तो क्या मिलेगा माइनस का 9/ आपका 25 मिल जाएगा। ये आपका आंसर तो पहली बार आपका माइनस में आएगा, ये जो आपका 2 यहाँ पे दिख रहा है 2 को आप इधर लगे का आपका बटे में आ जाएगा, तो साइन टी इंटू में आपका कॉस टी, ये जो 2 आपका यहाँ पे दिख रहा है इसको आप यहाँ पे लगे तो क्या हो जाएगा, फाइनली जो आपका आंसर मिलेगा माइनस का 9/ आपका 50 मिल जाएगा, तो 9/50 जो हमारा यहाँ पे दिखेगा वो डी ऑप्शन दिखेगा ठीक है। ये हमारा देखिए आंसर आ जाएगा जो कि आपका डी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। चलें तब नेक्स्ट आपके सवाल पे, चल रहे हैं आपके नेक्स्ट सवाल पे, ये देखिए आपका बेहद आपका इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको
अलजेब्रा का यहाँ पे एक कंसेप्ट आपका लगेगा, सवाल को देख लीजिए ध्यान से, समझाते पहले इसको कंसेप्ट इसका क्या होता है, कैसे आप सवालों को सेकेंडों उड़ाएंगे ना पेपर में, समझिएगा। एक्स प्लस वन अपान में एक्स अगर दिया आपका तीन दिया है तो आपसे पूछेगा एक्स स्क्वायर वन अपान में एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपकी क्या होगी, ये आपका पूछा है। तो कैसे आप करेंगे सवालों को, आपको पता है ये आपके पावर यहाँ पे वन है, इसकी पावर वन है, तो पावर वन से पावर टू में जाने के लिए ना, पावर वन से पावर टू में जाने के लिए आपको करना पड़ेगा होल स्क्वायर करना पड़ेगा, दोनों पक्षों के यहाँ पे क्या कर दें स्क्वायर कर दें, दोनों पक्षों का आप स्क्वायर करेंगे ना तो ए प्लस बी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब क्या एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान में एक्स मतलब क्या इसका स्क्वायर करेंगे ये आपका मिलेगा प्लस टू इंटू में एक्स इंटू वन अपान में एक्स ये तो आपका मिलेगा, इसका वर्क करेंगे कितना मिलेगा आपका नौ आ जाएगा। तो ये चीज़ देखिए यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे अगर दोनों चीज़ समान आपके इतना जब गुणा आप करेंगे तो यहाँ पे कैंसिल हो गया तो फाइनली आपका क्या मिलेगा दो एकन्नम दो मिलेगा, यहाँ पे कट के जो आपका आएगा दो आ जाएगा, दो को आप उधर ले जाएंगे तो क्या आपका माइनस मिलेगा दो आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या मिला आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान में एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आपसे पूछा था कितनी आपकी आ जाएगी नौ माइनस दो क्या मिलेगा आपका सात आ जाएगा। तो ये देखिए चीजें जो आप यहाँ पे स्क्वायर तोड़ रहे हैं उसके बाद सिंप्लीफाई करें एक्स एक्स काट रहे हैं फिर उसके बाद जो भी आपका मिल रहा है आंसर तो सॉरी तो इन चीजों से देखिए बचने के लिए ना डायरेक्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे इस आपका यहाँ पे दिया था इसकी वैल्यू x प्लस वन अपार्ट में x की वैल्यू तीन दिया था आपसे पूछा इसकी वैल्यू स्क्वायर पूछा है तो क्या करेंगे यहाँ पे सीधे क्या करेंगे तीन का वर्ग करेंगे माइनस कितना कर देंगे दो कर देंगे है कि नहीं, इसकी वैल्यू क्या आपकी आ सके सात आ सके। और मान लीजिए आपका पेपर में यहाँ पे तीन ना दे के आपसे पूछ दिया इसकी वैल्यू यहाँ पे दे दे आपका दस दे दिया आपसे पूछेगा इसकी वैल्यू क्या आपकी आ सके एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी तो क्या करेंगे दस का स्क्वायर करेंगे माइनस दो करेंगे दस का स्क्वायर कितना होता है सौ दो घटाएंगे आपका अट्ठानवे आ जाएगा तो अट्ठानवे इसका आंसर मिल जाएगा। और इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या दे दे ग्यारह दे दे इसकी वैल्यू कितना दे दे ग्यारह आपसे दे दे तो क्या कहेंगे आप ग्यारह का स्क्वायर कितना आपका आता है एक सौ इक्कीस आता है माइनस दो करेंगे तो एक सौ आपका उन्नीस आपका आ जाएगा। तो बहुत आपका ईजी है लेकिन एक चीज़ जानिए आपका त्रिकोणमिति के साथ साथ आपने अलजेब्रा का सवाल एक बेहद आपका इम्पोर्टेंट आपने कॉन्सेप्ट सीखा है जो आपके हर एक पेपर में आपके एमटीएस के एग्जाम के लेके देखा जाए सीएल के मेंस तक के आपके एग्जाम में पूछा गया है स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में आपका पूछा गया है ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट है इस चीज़ को याद रखिए यहाँ पे डायरेक्ट क्या करना है स्क्वायर करना है दो को घटाना है यहाँ पे बस कुछ नहीं करना है। वैसे देखिए बस इतने वैसे कहानी नहीं रहती है बहुत इसके पीछे और कहानी रहती है और मान ली आपको वहाँ पे क्या अलग अलग आपको दे दें वहाँ पे जो आपका एक्स था बटे आपका एक्स था सेम था ना अगर डिफरेंट देगा तब क्या होगा तो उस चीज़ को सीखने के लिए आपको जब पढ़ाएंगे कभी अलजेब्रा तब आपको सिखाएंगे वहाँ पे ठीक है। बाकी इसमें इस जो हमको सीखना है उतने ही जानेंगे यहाँ पे आपको पता है पता क्या है कॉस थीटा इज इक्वल टू जो होता है एक बटे सेक होता है और सेक क्या होता है आपका वन अपान में क्या होता है कॉस होता है ये चीज़ तो पता होगी यहाँ पे। तो हम कॉस के आसन पे एक बटे चाहे सेक लिखे चाहे सेक के आसन पे एक बटे कॉस लिखे यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि किसी को आप चेंज कैसे हमने मान लीजिए यहाँ पे चेंज किया किसको सेक थीटा कॉस के आसन पे एक बटे सेक कर दिया ऐसा आपका होगा ये जो आपका दिया बत्तीस दिया तो ये नहीं कह सकते आपका देखिए यहाँ पे सेम है एक्स एक्स है एक्स प्लस वन अपन में एक्स इक्वल टू कितना बत्तीस दिया आपसे जो पूछा यहाँ पे ये आपका सेक स्क्वायर थीटा कॉस के आसन पे वन अपन में कितना आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा आपका आ जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस वन अपन में क्या सेक स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन में क्या एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन अपन में एक्स की वैल्यू दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन में एक्स की वैल्यू आपसे पूछा है तो क्या हो जाएगा बत्तीस का वर्ग करेंगे बत्तीस का जो वर्ग आप करेंगे माइनस कितना करेंगे दो करेंगे तो बत्तीस का जो वर्ग होता है ना याद नहीं तो आप याद कर लीजिए एक हज़ार चौबीस होता है माइनस टू करेंगे तो कितना आपका एक हज़ार आपका बाईस मिल जाएगा ठीक है। ये हमारे पास आंसर मिल जाएगा सी आपसे
सिंपल सा है सवाल, एकदम इजी सा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ये सवाल देखिए बेहद आपका इम्पोर्टेंट है। जब हम इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे थे कहाँ पे, आइडेंटिटीज आपको बता रहे थे, जो तीन आपके जो होती है सरसमिकास होती है, उस समय आपको बताया था, उसके बेस पे हमने उसी वक्त क्वेश्चन भी करवाया था एग्जाम्पल के रूप में। देखिए आपका उसी टाइप का सवाल पूछा गया, आपके देख लीजिए मेंस के पेपर का पूछा हुआ है। ठीक है, तो सवाल देखिए यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू आपके 3 दिया, तो आपसे पूछा है सेक की निकालिए वैल्यू। इस सवाल को आप ओरली कर सकते हैं, अभी हमने बताया आप जितने प्रैक्टिस करेंगे उतना चीज़ों को ना स्टेप काटेंगे पेपर में, ऐसा नहीं कि आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे। जैसे अब इसकी वैल्यू क्या 3 दिया है, आपसे पूछा कि इसके सेक की वैल्यू पूछा, टेन टेन आपको गायब करना घटाना पड़ेगा। ठीक है, टेन नहीं जोड़ना पड़ेगा आपको, 3 प्लस 1/3 में 3 आएगा, 3 त्रिक करना एक 10, 10/10 करना 3, 2 से काटेंगे आपका 5, 5/5 आपका 3 मिलेगा, तो 5/3 हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। आप इस सवाल को मौखिक कर सकते हैं मौखिक। ठीक है, वही नहीं कहा आपसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी आप सवालों को मौखिक कर पाएंगे, स्टेप आप गायब कर पाएंगे पेपर में, स्टेप काट पाएंगे। तो समझिए कि यहाँ पे देखिए देखिए यहाँ पे सवाल जो दिया आपको, ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा की जो वैल्यू आपका दिया है यहाँ पे 3 दिया है, तो इसकी वैल्यू क्या आपकी आ जाएगी, यहाँ पे सेक थीटा माइनस क्या टेन थीटा की वैल्यू क्या आपकी आ जाएगी। याद आ रहा है इसी का उल्टा हो जाता है, अगर 3 दिया तो यहाँ पे 1/3 इसकी वैल्यू निकल के आती है। जाके जिसको समझ नहीं आ रहा पहली क्लास को जाके देखे बढ़िया से पूरा। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे टेन टेन क्या होगा आपका, कैंसिल हो जाएगा जोड़ने के बाद, अगर दोनों को हम जोड़ दें तो ये टेन टेन कैंसिल, इसलिए हम इसको कैंसिल करें क्योंकि हमसे पूछा सेक की वैल्यू, और टेन के पूछता था सेक को गायब करते घटा के गायब करते इसको। ठीक है, तो क्या मिलेगा 2 sec थीटा, दोनों को आपने जोड़ा है तो 3 प्लस कितना ये आपका आ जाएगा, 3 * 9 = 10, तो 10/ कितना आपका आ जाएगा, 10/3 आपका आ जाएगा। ठीक है, ये 2 से काटेंगे 5, तो आप बताइए यहाँ पे सेक थीटा के जो वैल्यू आपके निकल के आई कितना, 5/3 आपके निकल के आएगी, हमने तो आपको पहले ही बता दिया था 5/3। ठीक है, चले इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपके टेन की वैल्यू भी पूछ सकता है, आपसे सेक की वैल्यू पूछ सकता है, साइन की वैल्यू पूछ सकता है, किसी भी त्रिकोणमिति अनुपात का आपका यूज यहाँ पे पूछ सकता है, उसकी वैल्यू साइन कॉस टेन कुछ भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, चलते हैं आपके नेक्स्ट आपके सवाल पे। अगला आपका देखिए उसे पूछ भी दिया एकदम, देखिए सवाल उसी का। अब इस सवाल को 5 आपको करना 10, तो 5/5 आपको क्या करना घटाना पड़ेगा, क्योंकि सेक को गायब करना पड़ेगा, सेक को गायब तभी आपको कर पाएंगे जब घटाएंगे चीज़ों को। तो यहाँ पे देखिए 5 - 1/5 करेंगे, 1/5, 5/25, 1 घटाएंगे 24, 24/ आपका 5 आएगा, 24/5 को आपका जो 2 यहाँ पे है 12/5 आपका आएगा, 12/5 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए आप चीजों को कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे आपको पता है इसकी वैल्यू कितना 5 दिया है, तो इसकी वैल्यू क्या आपकी आएगी, सेक थीटा माइनस टेन थीटा की जो वैल्यू आपकी आएगी यहाँ पे 1/5 आपकी मिल जाएगी। अगर यहाँ पे आपको सही टेन की वैल्यू, तो हमको सेक को गायब करना पड़ेगा, सेक तब गायब होगा जब आप घटाएंगे यहाँ पे, है कि नहीं, घटाएंगे तो यहाँ माइनस यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा, ये चीज़ आपकी यहाँ पे कैंसिल होती है, टेन टेन मिलकर 2 tan आपका आ सका यहाँ पे, है कि नहीं, ये आपका यहाँ पे घटाएंगे तो 5 - 1/5 आपका आ जाएगा, 5 * 25 = 25, 1 घटाएंगे 24, तो 24/ आपका 5 मिल जाएगा, ये 2 से काटेंगे यहाँ पे 12 मिल जाएगा, तो जो आपसे पूछा था वैल्यू वो हमारे निकल के आ कितनी गई, 12/5 आपकी आ गई यहाँ पे, जो हमारे पास यहाँ पर डी ऑप्शन दिख रहा था। इस सवाल को मैक्सिमम आप पेपर में 3 से 4 सेकंड, मैक्सिमम 5 सेकंड में आप कर सकते हैं। ठीक है, आप तभी कर पाएंगे जब बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे, अन्यथा आप उसी टाइप करेंगे जो आपको मतलब स्टेप बाय स्टेप बताया गया और जगह। ठीक है, सब कुछ देख के प्रैक्टिस का खेल है। ठीक है, सब कुछ प्रैक्टिस का खेल है।
अब इसी की वैल्यू आपसे पूछा, टेन की वैल्यू आपको पता है √3 कितना, 1/√3 करेंगे, √3 में करेंगे 3 मिलेगा, 3 - 1 2 मिलेगा, 2 आपका जो तो ऊपर मिलता है 2 से 2 कैंसिल करेंगे, 1/ आपका √3 मिल जाएगा। तो 1/√3 आपका यहाँ पे दिख रहा है, आपसे देख रहे हैं यहाँ पे। हम तो कहते हैं जहाँ पे यार आसान सवाल वहाँ तो आप समझ बताइए, है कि नहीं? चीज़ें आसान कहने से आसान नहीं हो जाती है कि नहीं? उसको आसान बनाइए तो कम से कम। अब बोलेगा अच्छा यही सवाल आपको पूछेंगे तो हमको कर लेंगे, अब लगेगा स्टेप बाय स्टेप करने, तब यार आपने कहाँ सुन लिया सही से। अरे सवाल आपका आसान ना तो उसको कम टाइम में कीजिए, तब लग अब माने कि हाँ वो सवाल आपका आसान है, ठीक है? कहने से आपको नहीं कह सकते कि आसान है यहाँ पे, ये समझिए आपका यही दिया ना। मतलब अगर आसान तो आप इस सवाल को मुश्किल से ना मैक्सिमम आपका 5 सेकंड से अगर ऊपर आप ले रहे हैं ना, तब आपके लिए आसान नहीं है, ठीक है? तब आपके अकॉर्डिंग देखा जाए एकदम बिल्कुल आसान नहीं है, भले से आप इसको सवाल कर लेंगे 15 सेकंड में कर रहे हैं, 20 सेकंड में कर रहे हैं, 30 सेकंड में कर रहे हैं, कर तो लेंगे, लेकिन आपके अकॉर्डिंग एकदम बिल्कुल आसान नहीं है। आसान तब माना जाएगा जब इस सवाल को आप 5 सेकंड के अंदर कर लेंगे। जैसे आपका दिया यहाँ पे कितना x - कितना 10x, ये आपका 1/ में कितना √3 आपका आ जाएगा। इसी तो उल्टा होगा, यहाँ पे आपको पूछा 10, तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, ये आपका प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आपको ऐसे माइनस हो जाएगा, ठीक है? ये आपका sec क्या कैंसिल, आपका 10x की जो वैल्यू आपके निकल के आई क्या √3, 1/ में कितना √3 घटेगा ना आपका, ये आपका यहाँ पे कितना 3 - कितना 2, ये आपका देखिए यहाँ पे जुड़ जाएगा 2 आपका आ जाएगा, 2 tan आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे जो फाइनली आपका मिलेगा ना 2, ये आपका √3 मिलेगा। तो 2 से क्या 2 कैंसिल, 10x की जो वैल्यू आपके निकल के आएगी क्या 1/√3 आपकी आ जाएगी, जो आपकी वैल्यू यहाँ पे ये आपका मिलेगा। समझ पा रहे हैं? फास्ट तो नहीं हो रहा है। वीडियो को पूरा देखें, बहुत मजा आपको आएगा, गारंटी है, ठीक है? कंटेंट में एक प्रकार जाने दम रखते हैं, कंटेंट में ऐसा कंटेंट आपको सादा कहीं मिलेगा, एकदम अपडेटेड, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड जो मिलेगा, पता कर लीजिएगा पूरे यूट्यूब पे आप। यहाँ पे समझे, अब इस सवाल का जो आएगा आंसर देखिए, इस सवाल का जो आंसर आपका मिलेगा, आपको पूछा है साइन, तो साइन की वैल्यू आप तभी निकाल पाएंगे ना, वैसे आपको निकालना पड़ेगा थोड़ा। देखिए यहाँ पे आप चीजों को आप वैसे देखिए कर सकते हैं, 7 सते कितना 49, 1/50 - कितना आपका यहाँ पे 7, तो 24/7 किसकी वैल्यू, 25/7। आप यहाँ देखिए इसको भी कह सकते हैं, जो sec थीटा की वैल्यू 50, 25/7, 25/7 आपका मिलेगा। और आपसे पूछा यहाँ पे क्या, तो बेस आपका जो यहाँ पे बेस नहीं आपका परपेंडिकुलर आपका, क्योंकि जो आपका ये हाइपोटेनियस होता है ये आपका खुद बेस होता है, तो परपेंडिकुलर कितना आपका आ जाएगा 24 आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर रखेंगे 5 * में क्या आपका कितना मिलेगा 24/ आपका 25 मिल जाएगा, तो 5 से क्या 5 कैंसिल, तो 24/ आपका 5 आएगा। अगर एग्जाम में ये देखिए ऐसे आपको करना है एग्जाम में, ठीक है? बाकी हम दिखा रहे हैं आपको, तो यहाँ पे समझिएगा sec θ - tan θ की वैल्यू आपकी 1/7 आ जाएगी। अगर यहाँ पे आप जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, tan से tan कैंसिल, 2 sec θ, ये आपका 7 + 1/ आपका 7 आ जाएगा, 7 से कितना 49, 1/50, 2 sec, वैसे देखिए यही डायरेक्ट आप इसको सॉल्व कर लीजिए ना, 50/ कितना 7 आपका, 2 से काटेंगे कितना 25 आपका आ जाएगा। तो sec थीटा के जो वैल्यू आपके निकल के आई 25/ आपके 7 आ जाएगी। आपको पता है sec क्या होता है आपका, ये हाइपोटेनियस होता है, ये आपका है बेस आपका होता है, तो यहाँ हाँ बेस आपका ना, तो परपेंडिकुलर कितना आपका आ जाएगा 24 आपका, 7 - 24 = 25, जो काफी ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है ट्रिपलेट। आपसे पूछा साइन, साइन क्या हो जाएगा, साइन क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना आपका है 24 है,
हाइपोटेन्यूज कितना 25 है, काटेंगे 5 तो 24 बटे आपका 5 जो मिलेगा यहाँ पे, ये देखिए आपके पास डी ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, चलें आपके नेक्स्ट आपके क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए एसएससी फेज 11 का क्या है, क्या आप इसके आसन पे ए के जगह कोई वैल्यू पुट कीजिए। ठीक, वैसे देखिए कोई ना कोई प्लस आपका रहेगा, चाहे इसको प्लस कीजिए चाहे इसको प्लस कीजिए, किसी को आप कर सकते हैं अपने मन के अनुसार। ठीक है, वैसे क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे सेम हो जाएगा ना, किसी को प्लस तो होना पड़ेगा। ठीक है, अब जो भी आपका आंसर आए यहाँ पे सवाल देखे, यहाँ पे वैसे इसको भी आप कह सकते हैं ना, जोड़ने के बाद ही तो शक निकलेगा, ऊपर तो प्लस मिलना ही मिलना है, प्लस तो मिलना ही मिलना है। अब ये चीज़ आपके दो ऑप्शन यहाँ पे, वैसे समझिए यहाँ पे समझिए, ये आपका जो दिया है sec थीटा प्लस tan थीटा की जो वैल्यू आपके यहाँ पे दिया है, ए दिया है और आपसे पूछा यहाँ पे sec की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 बटे आपकी ए आ जाएगी। दोनों को हम क्या करें यहाँ पे, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो 2 sec a, ये कितना आपका मिलेगा, ए प्लस 1/a, ए स्क्वायर प्लस आपका 1 आ जाएगा, पर जो मिलेगा ए स्क्वायर प्लस आपका 1/a मिल जाएगा, ए जो आपका 2 यहाँ पे दिखाई दे, 2 आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस आपका 1/2a जो कि आपका यही ऑप्शन दिखाई दिया, ये आपका जो ऑप्शन दिखाई देगा आपका ये आपका आ जाएगा। आप वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं, जैसे ए के आसन पे आप कोई वैल्यू पुट कीजिए, 2 3 4 5 कुछ भी आप पुट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप ऐसा डाटा यूज़ कीजिए जो आपकी वहाँ पे ना कम से कम आपको वहाँ पे सॉल्व करना पड़े, आपकी कैलकुलेशन आपकी कम से कम करनी पड़े। ठीक है, बाकी आप इससे बहुत कठिन नहीं कर सकते हैं, सिंपल सा वैसे सवाल था। चले आपके नेक्स्ट सवाल पे, अगला सवाल देखिए। हाँ, इस सवाल को आप वैल्यू पुटिंग से कीजिए सही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आपका टिपिकल आपका पोज है, टिपिकल का मतलब यहाँ पे समझिएगा, ये जो आपका यहाँ पे दिया है डाटा ना थोड़ा सा, क्योंकि देखिए यहाँ पे टेन और सेक की आपके डायरेक्ट नहीं पूछा है, आपसे साइन का पूछा है कि नहीं, अब टेन और सेक की आपसे पूछा तो आपका आसान आपका हो जाता, तो आप यहाँ पे ना के की वैल्यू कोई पुट कीजिए, के की वैल्यू आप अपनी मर्जी के अनुसार कुछ भी पुट कीजिए, 1 2 3 4 5 कुछ भी आप पुट कीजिए। तो हमने यहाँ पे के की वैल्यू यहाँ पे कितना मान लिया, 2 ले लिया, सबसे जो आपका सिंपल सा ऑप्शन, सिंपल सा जो आपका के की वैल्यू हमने 2 मान लिया, तो यहाँ पे आपका निकल क्या गया, टेन ए प्लस सेक ए इज इक्वल टू आपका 2 आ जाएगा, तो बताइएगा टेन ए माइनस सेक ए की वैल्यू 1/2 मिल जाएगी। अगर दोनों को हम यहाँ पे क्या कर दें, देख रहे हैं गलत कैसा हो गया, ये जो होता आपका सेक माइनस टेन ए होता आपका, इसको देखिए आपका उल्टा कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस में चीज़ें लिखी गई है ना, आपकी चीज़ें जो लिखी गई वहाँ पे प्लस में लिखी गई है, सेक ए प्लस टेन ए ऐसा भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, है कि नहीं, अगर कोई चीज़ प्लस में है, अगर ए प्लस बी दिया है तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, बी प्लस ए भी लिख सकते हैं, आपस में क्या बराबर है, क्योंकि तो प्लस में चीज़ें यहाँ पे हैं, तो उसके आसन को हम इधर उधर कर सकते हैं, यहाँ पे टेंथ आप यहाँ पे टेन लिखिए, सेक यहाँ पे लिखिए, तो आप बताइए ए माइनस की वैल्यू क्या आपकी आ जाएगी, ऐसा आपका आ जाएगा यहाँ पे, है ना। आप बताइए यहाँ पे हमने बताया आप किसी को निकालिए, ठीक है, ये आपका यहाँ पे टेन क्या टेन कैंसिल होगा, दोनों को जोड़ा जाए तो जोड़ेंगे कितना, 2 sec a, ये 2 + 1/2 हो जाएगा, 2 × 4 कितना, 5 आपका, 2 × 4 कितना, 5, तो 5 बटे आपका 2 निकलेगा, ये जो 2 आपका यहाँ पे दिखाई था 2 आपका नीचे गुणा हो जाएगा, कितना आपका आ जाएगा, 4 आपका आ जाएगा, तो sec a की वैल्यू कितनी, 5 बटे आपके 4 आ जाएगी। आपसे पूछा है साइन ए की वैल्यू, आप बताइए आपको पता है sec क्या होता है, आपका हाइपोटेनियस अपान में जो होता है आपका बेस होता है, तो परपेंडिकुलर कितना आपका आ जाएगा, 3, क्योंकि 3 4 5 आपका जो होता है ट्रिपिट होता है। आपसे पूछा साइन, साइन ए की वैल्यू क्या आपके आ जाएगी, परपेंडिकुलर अपान में जो होता है हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है, 3 है,
हाइपोटेन्यूज कितना आपका आ जाएगा 5, 3/5 आपका यहाँ पे मिलेगा साइन की वैल्यू। तो के जो वैल्यू आप 2 रखेंगे यहाँ हर एक ऑप्शन में, जो आपका ऑप्शन 3/5 देगा वही आपके साइन ए की वैल्यू आपके आ जाएगी। तो यहाँ पर रखेंगे कितना, 2 रखेंगे तो आपका 4 मिलेगा, और यहाँ पर 2 × 2 = 4, 1 कितना 5, हमको चाहिए कितना 3/5 है, तो ये आपका ऑप्शन बाहर हुआ। तो 2 × 2 = 4 ऊपर मिलेगा, फिर 3 मिलेगा, 4 में से 1 घटाएंगे 3, नीचे कितना आपका 8 आ जाएगा, 3/8 मिलेगा, 3/8 हमको चाहिए ही नहीं। ए बी ऑप्शन गए, ए बी ऑप्शन गए, यहाँ पे कितना मिलेगा 2 × 2 = 4, 1 = 5 मिलेगा, 5/3 मिलेगा। तो 5/3 नहीं चाहिए, 3/5 चाहिए, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन मिला। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 में से 1 घटाएंगे 3 मिलेगा, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे 4 + 1 आपका 5, आपका 3/5 मिलेगा, 3/5 हमको चाहिए भी था। तो हमारे पास यहाँ पे जो निकल के आता है वो आपका डी ऑप्शन निकल के आता है, अगर के की वैल्यू आप पुट करते हैं। वैसे के की वैल्यू और भी आप कुछ पुट कर सकते थे, 3 भी आप रख लीजिए, ठीक है, 4 भी रख लीजिए, आपके मर्जी के। हमने 2 रखा क्योंकि थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपका, ठीक है। चलें आगे, चलते हैं आपके नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल ये आपका बहुत आपका इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए मतलब सोचें आपको इतना प्रैक्टिस करा दें कि जो आपको क्लियर हो जाए, मतलब हर कोई भी अगर आपका सवाल यहाँ से ऐसे देता घुमा फिरा के आप कर पाए सवाल को, पेपर में छोड़ के तो नहीं आए, ठीक है। अब इस सवाल को तो वैसे तरह कर सकते हैं, 2 × 2 = 4, 1 = 5, 5/2, 2 आप इधर लाएंगे तो 5/4 आपका आ जाएगा। ये जो दिया आपका कोशिक थीटा कॉट थीटा इज इक्वल टू जो दिया आपका 2 दिया है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 आपके आ जाएगी। अगर दोनों को हम यहाँ क्या करें जोड़ दें, दोनों को जोड़ेंगे तो कॉट कॉट कैंसिल होगा, यहाँ पे 2 cosec थीटा यहाँ पे जोड़ेंगे कितना 2 + 1/2, ये आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 × 2 = 4, 1 = 5, 5/2 मिल जाएगा। तो ये जो आपका यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा था ये यहाँ पे आपका बटे आपका आ जाएगा, तो cosec थीटा के जो वैल्यू आपके 5/4 मिल जाएगी, ठीक है, 5/4 आपके लिए। चले अगले सवाल पे, ये आपका सवाल सॉरी यार, अगला सवाल cosec प्लस cot इज इक्वल टू पी दिया, आपसे पूछे इसकी वैल्यू क्या होगी, एक इसकी वैल्यू होगी, एक इसकी वैल्यू, ये सवाल देखिए आपके सामने। सबसे बेस्ट आपका जो सोल्यूशन यहाँ पे होगा p की वैल्यू कोई पुट कीजिए, आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। समझते हैं सवाल को, ये आपका p देखिए उड़ गया है तो आपका यहाँ पर रहेगा p, ठीक है, यहाँ पे। तो क्या करेंगे यहाँ पे, वही आपका रोल, इसकी वैल्यू पी है तो आप पी के आसान पे कोई वैल्यू पुट कीजिए, सबसे आसान जो डाटा 2 था, आप 3 भी कर लीजिए मन करे तो, हम 2 पुट करेंगे ना, तो cosec थीटा माइनस cot थीटा के जो वैल्यू आपके निकल के आएगी 1/2 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू कितनी आपके आगे 1/2 आएगी। यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को हम यहाँ पे जोड़ दें, है कि नहीं, दोनों को जोड़ेंगे तो कॉट कॉट कैंसिल, ये 2 cosec थीटा ये आपका यहाँ पे 2 + कितना 1/2, तो कितना 5/4, 5/4 तो मिलेगा ना, 2 को आप इधर लगे तो cosec की वैल्यू क्या निकल के आएगी,
पांच बटे आपके चार आ गए, और कोशिक की वैल्यू पांच बटे चार आपकी आई है, तो आप बताइए पी की जगह आप यहाँ पर रखेंगे दो, तो पी की जगह दो रखेंगे कितना, दो दूना चार, ये आपका तीन आएगा, यहाँ पे कितना पांच आपका आएगा, तीन बटे पांच, और कोशिक की वैल्यू पांच बटे आपके यहाँ पे कितनी आई है, तो आप बताइए यहाँ पे आपके पास एक ट्रायंगल हमने बनाया, तो कोशिक क्या होता है आपका हाइपोटेनियस अपान में परपेंडिकुलर, ये चार है तो ये पांच है, तो आप बताइए यहाँ पे एक कितना आपका आ जाएगा, तीन, हमको लाना क्या तीन बटे पांच, तीन के यहाँ पे आधार हो सका है कि नहीं, तीन कितना आधार है और पांच कितना आपका कर्ण है, तो तीन बटे पांच यहाँ पे क्या दिखा रहा आपका, जो दिखा रहा आधार बटे कर्ण दिखा रहा, आधार बटे कर्ण क्या होता है, आधार बटे कर्ण क्या होता है आपका कॉस होता है, तो कॉस आपका आंसर ठीक है, आधार बटे सो कर्ण क्या होता है, कॉस आपका होता है। चल रहे हैं अगले सवाल पे, अगला आपका सवाल कोशिक, ये भी तो आपका आसान है, और कोशिक के निकल जाएगी वैल्यू तो आप निकाल लीजिएगा साइन के वैल्यू, सिंपल सा सवाल है, कठिन तो बहुत नहीं है, पांच इसका उल्टा करेंगे है कि नहीं, दो बटे पांच है इसका उल्टा करेंगे पांच बटे दो मिल जाएगा, ये आपका चार, ये आपका पच्चीस, उनतीस, उनतीस बटे कितना आपका मिल जाएगा दस बटे कितना बीस, उनतीस बटे बीस मिलेगा आपका ना, अब इसे का उल्टा कर देंगे तो 20 बटे 29 मिल जाएगा, जो आपके पास ये की ऑप्शन है, समझिएगा समझिए, क्योंकि देखिए कोशिक के निकल जाएगी वैल्यू कोशिक की ना, और कोशिक की निकल गई तो इसी का उल्टा कर देंगे तो साइन के निकल जाएंगे ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, अगर ये इसकी वैल्यू दो बटे पांच है तो इसकी वैल्यू कितना आपकी आ जाएगी, पांच बटे दो आपकी आ जाएगी, यहाँ से क्या करें कॉट को कैंसिल करें, कॉट कैंसिल आपका कैसे होगा, जब दोनों को चीज़ों को जोड़ेंगे यहाँ पे, एक आपका प्लस एक आपका नेगेटिव, यहाँ पे कितना दो बटे पाँच है और ये आपका पाँच बटे दो है, तो क्या मिलेगा आपको चार ये पच्चीस, पच्चीस चार उनतीस, नीचे आपका दस, भाई देखिए सिंपल सा मिल है, अब यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप नहीं बता सकते हैं, ये आपका जो दो यहाँ पे दिख रहा है आपका दो यहाँ पे आ जाएगा, और कोशिक थीटा की वैल्यू 29 बटे आपके 20 आई है, तो इसकी वैल्यू कितनी आपके 20 बटे आपके 29 मिल जाएगी, सिंपल सा मामूली सा क्वेश्चन था ठीक, चलते हैं आपके नेक्स्ट 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 सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट 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 सवाल पे चलते हैं, ये सवाल देखिए आपके सामने, सवाल sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसका तो ऑप्शन आपका गलत है, ऑप्शन गलत गलत गलत, सबसे बेस्ट आपका ना एंगल ए की वैल्यू पुट कीजिए, कोई भी आप पुट कीजिए ठीक है, जो आपका यहाँ पे सॉल्व करने के बाद आपका तीन देता है, अगर सेटिस्फाई आपका होता है तो cot की एंगल की वैल्यू वहाँ पुट कीजिए आपका आंसर मिल जाएगा, हमने यहाँ पे सिंपल सा हमको जो दिखाई दिया ना tan जो 45, अगर जिनको वैल्यू नहीं पता तो वैल्यू जाके पहले बढ़िया से याद कीजिए ठीक है, tan 45 की जो वैल्यू आपकी है जाके देखिएगा वहाँ पे, इसकी जो वैल्यू आपकी एक आती है, sec जो 45 की वैल्यू जो आपके निकल के आती है रूट रूट आपका टू आता है, रूट रूट में रूट आपका टू आता है, स्क्वायर करेंगे यहाँ पर रूट टू का आप स्क्वायर करेंगे प्लस आप एक का स्क्वायर करेंगे, रूट टू का स्क्वायर करेंगे दो मिलेगा आपका एक मिलेगा, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है ये तीन मिल रहा है,
इसका मतलब आपके सो एंगल ए के सो वैल्यू 45 पुट करने के बाद जो सेटिस्फाई आपकी हो रही है, जो 3 दे रहा था, आप यहाँ पे कॉट 45 की जो वैल्यू आपकी कितनी, आपकी आ जाएगी 1, आपका आ जाएगा यहाँ पे आंसर आपका मिल जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं करना था, ठीक है। बाकी आप साइन कॉस में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। साइन कॉस में भी आप चेंज करके आप सवालों को बहुत इजी तरीके से कर सकते थे। जैसे आप क्या कैसे यहाँ पे इसको टेन में कन्वर्ट कर लिए, है कि नहीं। आपका टेन जब कन्वर्ट हुआ, टेन आपका यहाँ पे क्या होगा, जुड़ेगा वहाँ पे। जब जुड़ेगा तो आपका 210 आपका आ जाएगा। बाकी देखिए आपको करके दिखा भी रहे हैं, कितने लोग तो समझ ही नहीं पाएंगे। हमने क्या कर लिया यहाँ पे, इसको बदलेंगे, sec के आसन पे 1+ क्या आ जाएगा, sec 10² ए आपका ना एंगल ए दिया, ए लिखिए। इसके आसन पे जो आपकी होती आइडेंटिटी जो होती है कि नहीं, आइडेंटिफाई ये होती 1+10² ए इज इक्वल टू sec स्क्वायर ए होता है, यही तो होती आपकी आइडेंटिटी। इसके स्थान पे ना हम ए यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसके स्थान पे ये लिखेंगे, आपका ये 10 पहले से है, दोनों को आप जोड़ देंगे यहाँ पे, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, आपका 210² मिल जाएगा। 210² इज इक्वल टू आपका 3 दिया है। अब बताइए एक को जो यहाँ पे एक है, एक को आप इधर लेंगे माइनस हो जाएगा, तो ये आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 हो जाएगा, 2 से क्या 2 कैंसिल, तो 10² ए की जो वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। तो 10 ए की वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी, 1 आ गई। आपको पता है 10 का जो उल्टा कॉट होता है, अगर 10 की वैल्यू 1 है तो कॉट की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी, क्योंकि भाई बटे में अगर एक करेंगे तो एक कोई मतलब नहीं, एक का उल्टा एक ही करेंगे। तो कॉट ए की वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी, 1 आपकी आ जाएगी, ठीक है। चलते हैं आपके नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/sin θ माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1+cosec θ है, 1+sin कॉट स्क्वायर थीटा अपान में 1+cosec है। इसके आसन पे क्या आपका आ जाएगा, कोशिक आपका आ जाएगा, होगा कि नहीं होगा। इसके आसन पे आप क्या लिख सकते हैं, ऊपर आपको पता होगा कि 1+cot² θ इज इक्वल टू जो होता है कोशिक स्क्वायर थीटा होता है। इसमें किसी को डाउट, आप बोलेंगे नहीं, 1+cot² θ इज इक्वल टू जो होता है कोशिक स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी होती है, कई बार इसको बता चुके हैं, ठीक है। तो आप बताइए यहाँ पे आप क्या करेंगे, अगर कॉट के निकालेंगे तो 1 आपका इधर जाएगा, तो कोशिक स्क्वायर थीटा माइनस आपका 1 आ जाएगा। तो इसके आसन पे आप यहाँ पे रख लीजिए, पता क्या, इसके आसन पे आप यहाँ पे रख सकते हैं कॉट के आसन पे कोशिक स्क्वायर थीटा कोशिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। आप इसको तोड़ेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या मिलेगा, ऊपर जब तोड़ेंगे ना कोशिक थीटा प्लस आपका 1 हो जाएगा, एक ब्रेकर में आगे क्या हो जाएगा, कोशिक थीटा माइनस आपका 1 आ जाएगा। यहाँ पे आपका नीचे क्या दिया, कोशिक थीटा प्लस आपका 1 दिया भी है, ये प्लस चीज़ है, आप प्लस को इधर कर सकते हैं। जैसे आपका कोशिक थीटा प्लस आप 1 लिख के, चाहे 1+cosec θ प्लस करें आप, इस चीज़ें आपके यहाँ पे क्या मिल गए, यहाँ पे देख रहे हैं आपका जो मिलेगा यहाँ पे कोशिक थीटा, ये जो माइनस आप अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस आपका 1 आ जाएगा। तो कोशिक के कोशिक कैंसिल, आपका बचेगा प्लस का 1 बनेगा, तो प्लस का 1 जो आपके पास क्या होगा, सी आपका ऑप्शन हो जाएगा। बहुत आपका आसान सवाल था, बस आपको चीज़ों को समझना था यहाँ पे, ठीक है। इसके बेस पे देखे जो अगला सवाल होगा, यहाँ पे देखिए आपके आइडेंटिटी के ऊपर ही सवाल आपका है। आप कह सकते हैं यहाँ पे क्या इजली आपका कर सकते हैं इस सवाल को, बहुत कठिन तो नहीं कह सकते हैं इसको। आपको पता है 1/ आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/sec क्या होता है आपका cos होता है,
एक बटे से क्या होता है, कॉस होता है। तो 32 cos² θ ये आपका मार्स दिया है। तो यहाँ पे कितना आपका इसके आसन पे क्या होता है, 1 + tan² θ, सो होता आपका 1 + tan² θ, सो होता आपका sec² θ। इसके आसन पे जब लिखेंगे sec² θ, तो 1/sec कितना आ जाएगा, कॉस आपका आ जाएगा। तो 20 cos² θ + आपका 12 sin² θ आ जाएगा, है ना। आपको देखिए 32 में से आप 20 घटाएंगे कितना मिलेगा आपका, 12 cos² θ + 12 sin² θ आपका आ जाएगा। तो 12 आप कॉमन करेंगे तो अंदर जो मिलेगा cos² θ + sin² θ, इसकी वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी, 1 आ गई। 1 × 12 क्या आ जाएगा आपका, 12 आपका आ जाएगा। 1 × 12 आपका जो मिलेगा आपका 12 आपका आ जाएगा, ठीक है। चलें आगे, चलते हैं आपके नेक्स्ट सवाल पे। ये भी देखिए सवाल आपका बहुत इजी आपका सवाल है। इसके जो वैल्यू आपकी आएगी यहाँ पे 1 आपकी आ जाएगी, समझिए यहाँ पे। और कोशक को आप अंदर ले जाएंगे तो क्या मिलेगा, अगर कोशक को आप अंदर गुणा करते हैं यहाँ पे, कोशक को अंदर गुणा करेंगे तो कोशक ए आपका आ जाएगा, माइनस जब यहाँ पे गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, कॉस ए इंटू में क्या होगा, कोशेक ए आ जाएगा। अब कोशेक ए को आप बताइए क्या लिखते हैं, 1/sin, इसके आसन पे 1 आपका साइन आ जाएगा। अब बताइए कॉस अपान में साइन क्या होता है, कॉस अपान में जो साइन होता है कॉट होता है। तो आप इस चीज़ को देख कर डायरेक्ट आपको लिखना है, वैसे लिखना में इस सवाल को ऐसे ओरली ही करना है, मौखिक ही करना है। तो आप बताइए क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये तो देखिए आपकी आइडेंटिटी बहुत बार बता चुके हैं, ये आपका इसकी वैल्यू कितनी आपकी आ सकी, 1 आपकी आ सकी। तो 1 हमारे पास पहले हमने बता दिया था आपका 1 आएगा। चले आके नेक्स्ट सवाल पे, चलते हैं नेक्स्ट आपके क्वेश्चन पे। अगला देखिए आपका जो सवाल है आपके सामने, आप बताइए यहाँ पे सवाल दिखाई दे रहा है, सवाल तो पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है, बताइए क्या होगा। आसान क्वेश्चन है आपका, किसी को आप देखे चेंज कीजिए, चाहे ऊपर का चाहे नीचे को चेंज कीजिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अगर हम यहाँ पे क्या करें, ध्यान दीजिएगा बहुत ध्यान से, आप बताइए ऊपर से आपका 1 + कितना है, ये आपका sec है, 1 upper में sec है, इसको sec ही रहने दीजिए पहले, ऊपर में नीचे को चेंज कीजिए, आप ऊपर का भी चेंज कीजिए कर सकते हैं। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1 upper में कितना, इसके आसन पे 1/sec² a और प्लस यहाँ पे 1 + आपका जो है sin² a है, और यहाँ पे 1 + 1 upper में कितना sin² a आपका हो सके, यहाँ पे इसका गुणा आप यहाँ पे करेंगे क्या मिलेगा, जब गुणा करेंगे sec² a + आपका 1 आ जाएगा, 1 + sec² a आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे जो आपका sec² a आपका यहाँ पे होगा ना, ये चीज़ आपके यहाँ पे क्या होगी, कैंसिल आपके हो जाएगा, ये जो बटे में आपका sec है, sec को आप उधर ऊपर ले जाएंगे, क्या आएगा, sec² a आपका आ जाएगा, ये प्लस आपका यहाँ पे है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये साइन का साइन आप यहाँ पे गुणा करेंगे तो आपका यहाँ पे मिलेगा कितना, sin² a + आपका 1 upper में कितना साइन आपका आ जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ आपके यहाँ पे कैंसिल हो गई, ये जो साइन आपका ऊपर जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे साइन आपका आ जाएगा, है ना, ऐसा होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, अब यहाँ पे सो आपका जुड़ेगा भी नहीं, तो क्या आपका होगा यहाँ पे, देखिए आप चीज़ों को सॉल्व करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे जो आपका sec² के स्थान पे आप यहाँ पे क्या चीज लिख सकते हैं, अब यहाँ पे क्या किया है, यहाँ तो आपका साल हो चुका है, यहाँ तक
देखिए गलती हमने जो यहाँ पे किया है, नहीं सही तो है, ये आपका 1/6 आएगा, कैंसिल हुआ आपका, यहाँ पे आपका कैंसिल, यहाँ पे साइन मिलेगा, साइन ऊपर जाएगा, ये आपका यहाँ पे आएगा। अगर यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करें, कुछ कर सकते हैं यहाँ पर, क्या आएगा यार आपके दिमाग में कुछ चल रहा है? एक बार इसको चेक कैसे के खुद, वैसे देखे हमको लगता है कि सही आपका आएगा, ऑप्शन का पता आपका मिस्टेक हो सकता है, वैसे देखे हमने बहुत कहें तो वैसे और कुछ तो कर नहीं सकते यहाँ पे हैं। सब कुछ देखे वजह से क्या पता आपके ऑप्शन मिस्टेक हो सकते, ठीक है, वैसे हमने देखे जो सही यहाँ पे लगाया है, एक बार खुद अपने भी कोशिश कीजिएगा। चलते आपके नेक्स्ट आपके सवाल पे ना, जो आपका देखे नेक्स्ट आपका सवाल जो यहाँ पे है, 1 + tan अपान में कोशिक प्लस आपका 1 + cot A अपान में sec है, तो आपसे पूछा मैंने तो क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे बेस्ट आपका जो पड़ेगा इसको साइन कॉस में आप चेंज कीजिए, जब साइन कॉस में आप इसको चेंज करते हैं ना, जैसे आप लीजिएगा ऐसे ध्यान दीजिए यहाँ पे, और तो कोई तरीका यहाँ पे नहीं दिख रहा, साइन कॉस में चेंज करेंगे तो 1 + कितना आपका आएगा, साइन साइन ए अपान में क्या आ जाएगा, कॉस ए, और अपान में कितना है, एक अपान में कितना, 1 अपान में साइन ए आपका आ जाएगा। यहाँ पे देखें 1 + cos A अपान में साइन ए, एंगल पुटिंग से भी आप कर सकते हैं, ठीक है, कोई एंगल की वैल्यू यहाँ पुट किए से उसके बाद सॉल्व करेंगे, जो आपका ऑप्शन यहाँ पे रखेंगे एंगल पे रखेंगे ना, बाकी देखिए बहुत कठिन नहीं है, 1 अपान में कितना आ जाएगा, कॉस ए आ जाएगा। यहाँ पे देखिए जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा, ये आपका कॉस प्लस कितना साइन आपका आ जाएगा, कॉस ए प्लस साइन ए, ये आपका यहाँ पे क्या होगा, आपको पता है इसका गुणा यहाँ पे होगा ऊपर का ऊपर हो जाएगा ना, तो ये आपका जो यहाँ पे मिलेगा साइन ए आपका आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा, अपान में कॉस ए आपका आ जाएगा, और यहाँ पे आप बताइए आपका प्लस है, लेंदी हो रहा है क्या, नहीं सही आपका है, ऊपर से आपका यहाँ पे गुणा करेंगे कितना मिलेगा, साइन ए प्लस आपका कॉस ए, ये जो आपका कॉस दिख रहा है, कॉस आपका ऊपर आके यहाँ पे कर सकते हैं ऐसा, कॉस आपका ऊपर आ जाएगा, अपान में क्या आ जाएगा, साइन ए आपका आ जाएगा, तो ये आपका कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए प्लस साइन ए, इसको कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे जब आप कॉमन करेंगे तो आपका मिलेगा कॉस ए प्लस साइन ए, कॉमन करेंगे तो आपका अंदर क्या मिलेगा, ये आपका साइन ए अपान में कॉस ए है ना, और यहाँ पे आपका जो मिलेगा, यहाँ पे जो चीज़ें आपके यहाँ पे मिलेंगे ना ऊपर, यहाँ पे कॉस ए अपान में साइन ए आपका आ जाएगा, वैसे लेंदी तो बहुत नहीं कर सकते हैं, स्टेप को गायब कर सकते हैं, ठीक है, इस स्टेप को आप यहाँ तक ले आ सकते हैं। आगे देखें आपका यहाँ पे क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा इसको, ये तो आपका यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, ये जो आपका यहाँ पे साइन का गुणा, यहाँ पे कहेंगे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए आपका मिलेगा, प्लस आपका कॉस स्क्वायर ए ऊपर गुणा करेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस आपका कॉस स्क्वायर ए ऊपर जो मिलेगी वैल्यू आपकी एक आपके आ जाएगी, तो कॉस ए इंटू में साइन ए आपका आ जाएगा, ऐसा आपका आएगा यहाँ पे, ये जो आपका यहाँ पे ध्यान दीजिए इस चीज़ को, आप यहाँ पे थोड़ा सा स्टेप लेके आगे लिखें, ए आपका यहाँ पे क्या, कॉस ए प्लस आपका साइन ए है कि नहीं, आप इसके बटे मिलाएंगे तो क्या होगा, कॉस ए प्लस आपका साइन ए अपान में क्या है, कॉस ए
इन टू में साइन है आपका है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक बार इसके बटे में लाएंगे ना, इसके बटे में एक कॉस कॉस कैंसिल, एक बटे आपका साइन आएगा। एक बटे साइन क्या होता है, आपका कोशेक होता है। प्लस जब इसके बटे में लाएंगे इसके बटे में, तो साइन साइन कैंसिल होगा, एक बटे आपका कॉस आएगा। एक बटे कॉस का होता है सेक होता है, तो एक कोशेक प्लस आपका सेक, तो कोशेक प्लस आपका सेक यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हमारे पास बी ऑप्शन आ जाएगा। बहुत लेंथी नहीं कर सकते इसको, बस आपको स्टेप देके गायब कर सकते हैं इस सवाल को ना। जैसे आपने जो ये स्टेप लिखा है, इस स्टेप को डायरेक्ट आप यहाँ पे ले आ सकते हैं, है कि नहीं। बाकी आप देख सकते हैं बहुत कठिन तो नहीं है आपका। चले आगे, अगला आपका सवाल देखें यहाँ पे, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन, इसको साइन कॉस में चेंज करेंगे, ठीक है। सेम आपका उसी टाइप का सवाल है, इसको साइन कॉस में आप चेंज करेंगे तो नीचे आप कॉमन करेंगे नीचे से, है ना। इसको आप खुद कीजिएगा, इस सवाल को आप कर सकते हैं, इस सवाल को आप देख के बहुत आसानी से कर सकते हैं, इसको हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, ठीक है। साइन कॉस में चेंज कीजिएगा, आपका एकदम सेम उसी टाइप का सवाल है। चलते हैं आगे, अब देखिए यहाँ पे जो है ये सवाल काफी ज्यादा आपका इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, समझिए काफी ज्यादा आपका इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे समझिएगा चीजों को, इस सवाल को हम आपको दो तीन मेथड बताएंगे। जो पहला आपका मेथड ध्यान दीजिएगा, पहला आपका जो मेथड यहाँ पे है ध्यान दीजिएगा इस चीज को। यहाँ पे अगर निकालते हैं कॉट ए की, निकालते हैं वैल्यू कितनी आपके मिलेगी यहाँ पे, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। इसको इधर लाएंगे कितना, 6 बटे आपका 8 आ जाएगा। 6/5 को 2 से भाग करेंगे, 3/3 आपका 4 मिलेगा। तो कॉट ए की जो वैल्यू आपके निकल के कितनी आई, 3/4 आपके 4 आई। कॉट ए की वैल्यू 3/4 आई है, इसकी वैल्यू आपसे पूछा है। इसको कॉट बनाने के लिए अगर कॉट किसी तरह बन जाए तो आपकी वैल्यू निकल जाएगी ना, है कि नहीं। या तो फिर आप निकालिए इसे यहाँ पे ऐसे रख के, आपका कितना है 3/4 दिया है, आधार बटे आपका कितना होता है, आधार बटे आपका जो होता है लंब होता है कि नहीं। आधार बटे लंब यहाँ से निकालिए, कर्ण की वैल्यू, साइन के निकाले वैल्यू, कॉस के निकाले वैल्यू, उसी प्रकार से आप करेंगे यहाँ पे। जो आपका यहाँ पे अगर कॉट यहाँ बना लीजिए कॉट, अगर ऊपर हम क्या करें, ऊपर और नीचे यहाँ पे ना, ये जो आपका साइन ए प्लस कॉस ए अपान में जो दिया है, इसको हम ऊपर क्या करें, साइन से भाग कर लें यहाँ पे, और नीचे भी क्या कर दें, साइन इससे भाग कर दें, ठीक है। साइन से क्या करें, भाग कर दें, ऊपर नीचे हम कर सकते हैं, साइन से ऊपर नीचे अंश और हर में क्या क्या, साइन से भाग करें। जब साइन से आप भाग करेंगे ना, इसके जब बटे करेंगे तो आपका 1 मिलेगा, प्लस इसके जब बटे करेंगे आपका कॉट ए मिलेगा। आप क्या करेंगे, इसके जब बटे करेंगे आपका 1 माइनस इसके बटे करेंगे कॉट ए मिलेगा। तो कॉट ए देखिए आपका निकल जाएगा ना, तो 1 प्लस कॉट ए तो क्या मिलेगा, 1 प्लस कॉट ए का मतलब 1 प्लस 3/4 आपका आ जाएगा, 1 माइनस 3/4 आपका आ जाएगा। तो 4 × 1 चार, 3 कितना 7, 7/4 मिलेगा। 4 × 1 4 में से 1 घटाएंगे आपका कितना, 3 घटाएंगे 1 मिलेगा, तो 1/4 मिलेगा। तो 4 से 4 कैंसिल, फाइनली मिलेगा 7/1, 7/1 मतलब 7 आपका आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। जो आपने यहाँ पे ऐसा किया है कि नहीं, कॉट को बनाने के लिए आपने जो साइन से आपने भाग किया है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टफ हमको लगा, क्योंकि इतना स्टेप करने के बाद तब जाके आपका आंसर मिल रहा। तो उससे भी देखिए बेस्ट आपका जो तरीका यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा, उससे भी बेस्ट आपका जो तरीका यहाँ पे, ये जो आपका निकला था 3/4 आपका आया था ना, इसको आप बताइए यहाँ पे, इसको साइन क्या करें, साइन कॉस में चेंज करें ना। कॉट ए बराबर क्या था, कॉस अपॉन में साइन होता है, ये 3/4 आपका आ जाएगा ना। तो यहाँ बताइए आप, कॉस इसका यहाँ पे गुणा करें, इसका यहाँ पे गुणा करें, तो क्या मिलेंगे चीज़ें यहाँ पे, क्या मिलेंगे, 4 cos A = 3 sin A आपका मिलेगा,
तो ये आपका देखें यहाँ पे ना, तो फिर यार वही तो मिलेगा आपका। उससे अच्छा सुनिए, सबसे बेस्ट आपका उससे छोड़िए, डायरेक्टर जो आपको बताने वाले हैं, एग्जाम ओरिएंटेड जो, मतलब आपको करना है सवाल में किस तरह करना है, ये देखिए एक प्रकार से क्या है आपका रेशियो है, मतलब रेशियो कि नहीं, रेशियो रेशियो देखिए आपका रेशियो ही पूछा है, अनुपात ही पूछा है आपका, है ना, ये आपका अनुपात ही है, 3/4 क्या आपका अनुपात है, अनुपात दे के अनुपात पूछा है, तो क्या करेंगे अब यहाँ पे, कॉस की वैल्यू 3 रखिए, साइन की वैल्यू क्या रखेंगे 4 रखेंगे, कॉस की वैल्यू 3 रखिए और साइन की वैल्यू 4 रखेंगे, साइन की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 4 रखेंगे, प्लस इसकी वैल्यू यहाँ पे 3 रखेंगे, और यहाँ पे कितना 4 होगा, यहाँ पे माइनस कितना 3 होगा, तो ऊपर देखे 7 आएगा, नीचे कितना आपका 1 आएगा, तो 7/3 आपका 3 आ जाएगा। रेशियो देखिए, अगर रेशियो पूछ रहा है तो डायरेक्ट हम इस प्रकार से करेंगे, ठीक है। चलें आगे चलते हैं आपके नेक्स्ट आपके सवाल पे, इस टाइप का सवाल 2022 में आपका पूछा गया और इसी टाइप का सवाल आपके 2023 में आपका पूछा गया था, एकदम सेम टू सेम आपका इसी टाइप का सवाल, बस आपका यहाँ पे डाटा थोड़ा सा अलग आपका किया था, ठीक है। तो क्या करेंगे आप यहाँ पे, एक्स की वैल्यू ये दिया है, वाई की वैल्यू ये दिया, तो आपसे पूछे इसकी वैल्यू पूछा है, ये आप क्या करेंगे यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू पुट कीजिए, एक्स और वाई की वैल्यू आप पुट करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर मतलब ये पूरे का आप वर्ग करेंगे तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, अपान में कितना है ये 8 का स्क्वायर है, प्लस यहाँ पे आपका क्या आएगा 9 का स्क्वायर, ये आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपान में कितना है ये आपका 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर कैंसिल, 8 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर कैंसिल, ये ऐसा होगा आपका। तो ऊपर देखिए स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस आपका 2 sin थीटा इंटू में कॉस थीटा, ऐसा होगा, इसकी वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी, 1 आपकी आ जाएगी, ठीक, इसकी जो वैल्यू आपकी मिलेगी 1 मिल जाएगी यहाँ पे, क्योंकि भाई आपकी होती है आइडेंटिटी जो होती है, तो आपका 2 sin थीटा इंटू में जो कॉस थीटा आपका बचेगा, इसको तोड़ेंगे आप, ये जो आपका यहाँ पे है प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जो वैल्यू आपकी 1 आएगी, लेकिन माइनस इसमें होता 2 sin थीटा इंटू में जो होगा कॉस थीटा हो जाएगा, तो ये चीज़ आपके यहाँ पे कैंसिल आपके हो जाएगी, क्योंकि आपका प्लस है यहाँ पे, आपका क्या है माइनस है, तो 1 + 1 कितना आपका आ जाएगा 2 आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा। इस टाइप का आप देखेंगे 2023 के आपके एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, तो बहुत आसान था ये सवाल, बस थोड़ा सा आपको बुरा भाग यहाँ पे करना था, ये आपका सवाल देखे यहाँ पे, ए की दिया वैल्यू और यहाँ पे देखिए बी की वैल्यू, ये दिया ए की दिया वैल्यू आपके बी की दिया वैल्यू आपसे पूछा, ये चीज़ आपसे पूछा, तो यहाँ पर रख दीजिए सबसे सिंपल सा, यहाँ पे आप रखेंगे तो क्या मिलेगा, ए का जो वैल्यू इतना दिया इसी का देखिए स्क्वायर करेंगे, इसकी जो वैल्यू आप यहाँ पर रखेंगे जो आपसे पूछा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछा है, तो आप बताइए यहाँ पे क्या आएगा, ए कोसेक थीटा है कि नहीं, ये आपका प्लस बी कॉट थीटा का होल स्क्वायर करेंगे माइनस इसकी जो वैल्यू बी की वैल्यू कितना, ए कॉट थीटा प्लस बी कोशेक थीटा का होल स्क्वायर करेंगे, ऐसा होगा आपका, बताइए ऐसा आपका होगा, कोशेक ए की वैल्यू कितना रखा, कोशेक प्लस बी कॉट थीटा माइनस ए कॉट थीटा प्लस बी कोसेक थीटा, ये हमने रखा, इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक, प्लस 2 इन दोनों का गुणा करेंगे 2 AB कोसेक इंटू में क्या मिलेगा, कॉट आपका मिलेगा, ऐसा होगा। आगे से आपका क्या मिलेगा,
इसका तोड़ेंगे अंदर, देखिए माया सब गुड़ा भी इसे ले कर दें तुरंत, तो हम क्या करें गुड़ा भी कर दें यहाँ, माया सब गुड़ा भी कर देंगे। जब माया का अंदर गुड़ा करेंगे आपका चिन्ह क्या बदल जाएगा यहाँ पे, तो क्या होगा ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कोशिक स्क्वायर थीटा माइनस जो आगे मिलेगा टू ए बी कॉट थीटा इंटू में कोसेक थीटा मिलेगा, ये आपका मिलेगा यहाँ पे वैल्यू मिलेगी। तो ये देखिए आपके सीधे यहाँ पे सेम है, ये आपके यहाँ पे क्या सेम है, ये आपका माइनस लगा है ठीक, ये आपका यहाँ पे देखिए प्लस लगा, कैंसिल आपका हो सकेगा। यहाँ देखिए ए स्क्वायर यहाँ पे है, ए स्क्वायर आपका यहाँ पे, ए स्क्वायर कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा अंदर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा आपका यहाँ पे, यहाँ से कॉमन करेंगे प्लस आपका बी स्क्वायर कॉमन करेंगे तो अंदर जो मिलेगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा ये आपका मिलेगा। आपके जो होती आइडेंटिटी क्या होती है ध्यान दीजिएगा, आइडेंटिटी जो होती आपकी वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं। अगर कॉट स्क्वायर थीटा को इधर ले जाएंगे तो क्या मिलेगा, जो आपकी आइडेंटिटी मिलेगी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपका एक आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आपकी एक आएगी, तो इसकी वैल्यू आपकी यहाँ पे एक आपकी आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं ये आपका उल्टा दिया है, यहाँ से जब आप करेंगे माइनस कॉमन करेंगे ना तो ये आपका माइनस यहाँ पे आपका आ जाएगा, और ये चीज़ आपके जो यहाँ पे ऐसे लिखाएगी यहाँ पे कोशिक आपका यहाँ पहले आपका आ जाएगा कोशिक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होगा कॉट स्क्वायर थीटा, तब जाके अब यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी एक आ जाएगी, तो यहाँ पे जो मिला इसकी वैल्यू आपकी एक आ जाएगी, यहाँ पे ए स्क्वायर ये आपका यहाँ पे कितना बी स्क्वायर आपका है, क्योंकि इसकी वैल्यू आपकी एक आ गई, एक गुणे में बी कितना बी आपका आ जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे जो देखा वो आपके पास ये ऑप्शन देखेगा ठीक है। सवाल काफ़ी ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट भी है, यहाँ पे देखिए ए और बी की वैल्यू यहाँ पे कोई पुट कर सकता है ठीक है, दो तीन का आप यूज करेगा, एक का समझ लें कंसेप्ट ही आपका है। चले आगे चलते हैं आपके नेक्स्ट आपके सवालों पे। यहाँ भी आप क्या करेंगे जितने आपको यहाँ पे इस सवाल यहाँ पे सवाल मिलेंगे सबके साथ आपको वैल्यू वहाँ पुट करना पड़ेगा, जैसे आपसे पूछा है इसकी वैल्यू, आपसे पूछा है इसकी वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पे एम की वैल्यू दिया है और एन की वैल्यू दिया है, आप यहाँ पर रखेंगे एम की वैल्यू कितना आपके यहाँ पे है सेक सेक थीटा माइनस टेन थीटा और प्लस एन की वैल्यू कितना है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और यहाँ पे एम की वैल्यू आप रखेंगे, एम की वैल्यू आप रखते हैं मान लीजिए यहाँ पे कितना रखेंगे सेक माइनस टेन थीटा और माइनस आपका एक हो जाएगा, ऐसा होगा सही है ना। एम के जो वैल्यू हमने रखा सेक माइनस टेन रखा, एन की वैल्यू कोसेक प्लस कॉट रखा, एम की वैल्यू सेक माइनस टेन रखा, माइनस आपका वन है इतना रखा। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप चीज़ों को ना ध्यान दे सके यहाँ पे, वैसे देखिए वैल्यू पुटिंग से भी आप कर सकते हैं यहाँ पे ना, वैल्यू पुटिंग से भी आप यहाँ पे कर सकते हैं चीज़ों को आप। अब आपको देखिए यहाँ पे बनाना आ गया कैसे आप करेंगे चीज़ों को, समझ में आ रहा है। अगर हम यहाँ पे क्या करें बारी बारी से गुणा करें तब तो बहुत कठिन आपका हो जाएगा, सबसे बेस्ट आप यार ना इतना जब आप गुणा भाग करेंगे उससे अच्छा आप यहाँ पे ना थीटा की वैल्यू कोई पुट कर लीजिए सबसे बेस्ट पड़ेगा ठीक है, इतना करेंगे बहुत कठिन हो जाएगा, इतना कहा थीटा की वैल्यू आप कोई पुट कीजिए सबसे बेस्ट जो पड़ेगा आपका 45 पड़ेगा, आप 30 भी रखेंगे 30 रखिए चाहे 60 रखिए आपकी मर्जी, लेकिन जो सबसे आपका बेस्ट पड़ेगा 45 पड़ेगा,
आप देखिए एमक्यू से वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 45, सेक जो 45 की जो वैल्यू आपके रूट आपकी कितनी होती है, 2 होती है, और यहाँ पे टेन जो होती है 45 की वैल्यू 1 आपकी होती है, यहाँ पे जो एम की वैल्यू ये निकलेगी, एन की वैल्यू आपकी निकल कितनी जाएगी, यहाँ पे रूट टू प्लस आपका वन आ जाएगा, तो एम की वैल्यू ये आ जाएगी, एन की वैल्यू आपकी ए आ जाएगी, यहाँ पर रखिए आप, तो क्या आपका आ जाएगा, इसका अंदर गुणा करेंगे तो क्या एम प्लस आपका एन इंटू एम माइनस आपका एन आपका आ जाएगा, तो यहाँ पे एम की वैल्यू कितनी रखेंगे, रूट आपका टू आ जाएगा माइनस आपका वन, यहाँ पे देखिए दोनों का गुणा करेंगे, जब दोनों का गुणा करेंगे क्या आएगा, एक इस क्या मिला, एक ब्रेकर में आपका रूट टू माइनस वन मिलेगा, एक ब्रेकर में कितना, रूट टू प्लस वन मिलेगा, तो क्या मिलेगा, दोनों का जब स्क्वायर करें ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना, रूट टू का वर्ग करेंगे आपका कितना मिलेगा, दो मिलेगा माइनस आपका एक, तो फाइनली आपका एक ही मिलेगा, ठीक, फाइनली जो आपका मिलेगा एक मिलेगा माइनस का। अब एन के जगह आप कितना रखेंगे, यहाँ पे अंदर जब गुणा करेंगे तो रूट टू माइनस आपका एक मिलेगा, ऐसा होगा, ये चीज देखिए आपकी यहाँ पे कैंसिल होगी, ये आपका यहाँ पे कैंसिल होगा, तो माइनस आपका एक आ जाएगा फाइनली हमारा आंसर, तो माइनस एक हमारे पास यहाँ पे क्या बचता है, डी ऑप्शन सबसे बेस्ट यही पड़ेगा, ठीक है, भले पुटिंग से करेंगे सबसे बेस्ट पड़ेगा, आप 30 रख के भी पुट कर सकते हैं, 30 रखिए चाहे 60 रखिए, आपको बताएंगे आगे मतलब कैसे, आप यहाँ पे ना यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे ए की वैल्यू आप ना थीटा की वैल्यू कोई पुट किस करेंगे यहाँ पे, और ए के निकले की वैल्यू यहाँ पे थीटा की वैल्यू कोई पुट रखता तो आपकी बी के निकले की वैल्यू, जैसे आप देखिए थीटा की वैल्यू आप सबसे बेस्ट यहाँ पे रखे ना, जो आपका पड़ेगा यहाँ पे थीटा की वैल्यू रखिए 45 रखिए, अगर थीटा की वैल्यू आप रखते हैं 45 तो ये आपका यहाँ पे वन दे देगा, प्लस यहाँ पे कितना आपका थीटा के जो वैल्यू 45 रखेंगे तो 1/2 आपका रूट टू मिलेगा, तो ये जो मिलेगा आपकी ए की वैल्यू निकलेगी, इसको और सिंपलीफाई करते तो क्या मिलेगा आपका, ये आपका मिलेगा यहाँ पे इतना, इसकी वैल्यू बी की वैल्यू क्या आपके निकल के आएगी, ये आपका वन ए जो रूट टू माइनस आपका वन अपान में कितना रूट टू आपके है, तो ए की निकली वैल्यू बी की निकली, आप यहाँ पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपका, रखिए यहाँ पे एक स्क्वायर मतलब क्या, रूट टू प्लस वन अपान में रूट टू का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस, ये आपका यहाँ पे कितना, रूट टू माइनस वन अपान में कितना, रूट टू का होल वर्ग आएगा, आप क्या करेंगे ऊपर का ऊपर वर्ग होगा, ऊपर का सब वर्ग करेंगे क्या मिलेगा आपका, ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर क्या मिलेगा, दो प्लस आपका एक प्लस टू रूट टू मिलेगा अपान में, ये आपका दो मिलेगा माने इसका वर्ग करेंगे कितना मिलेगा आपका, ये दो प्लस आपका एक माइनस टू रूट आपका टू मिलेगा अपान में कितना, दो मिलेगा, तो यहाँ पे आप देखें आपका जो यहाँ पे हर क्या है समान है, तो ऊपर देखें यहाँ पे तीन हो जाएगा, यहाँ पे आपका तीन हो जाएगा, तो तीन प्लस रूट टू अपान में कितना, ये देखिए आपका यहाँ पे देखिए पूरा जो आप देख रहे हैं यहाँ पे सेम है, तो इसको दो कर दीजिए यहाँ पे माइनस आपका देखिए हो जाएगा, माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो क्या -3 ये प्लस आपका टू रूट टू मिलेगा, है कि नहीं, तो ये चीज़ देखिए आपके यहाँ से कैंसिल आपकी हो जाएगी, ऊपर जोड़ेंगे तो 4 करड़ी में 2 मिलेगा, 4 करड़ी में 2 अपान में कितना, 2 काटेंगे तो कितना मिलेगा फाइनली 2 करड़ी में 2 मिलेगा, अब जो 2 करड़ी में 2 आपका आया है ऑप्शन में आप थीटा के रखे वैल्यू, थीटा की आप रखेंगे यहाँ पे वैल्यू रखेंगे कितना मिलेगा आपका, ये आपका यहाँ पे एक आ जाएगा 1/2 कितना आपका रूट टू मिलेगा, यहाँ पे आपका 4 मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे कितना मिलेगा 4 थीटा का रखेंगे वैल्यू कितना, 1 रखेंगे 45 रखेंगे आपकी इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर रखें कितना, 1/2 आपका रूट आपका 2 मिलेगा, अब 1/√2 यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे देख पा रहे हैं ये चीज़ आपके यहाँ पे क्या लिखी है, इसको आप ले सकते हैं 4 को 2 करड़ी 2 इंटू में 2 अपान में रूट टू, इसको काटेंगे तो आपका 1√2 बसेगा, तो ये आपका जो लिखा है यहाँ पे, ये जो आपका लिखा है यहाँ पे, ये आपका इतना लिखा है यहाँ पे, तो इस चीज़ को देखें यहाँ पे ना 2 करड़ी में आपका 2 मिलेगा, तो
हमारे पास जो आंसर मिलेगा आपका ना, ये आपके पास मिल जाएगा आंसर। देखिए जो आपका फाइनली इसको आपने सॉल्व किया है, या तो आप इसी को यहीं पे छोड़ दीजिए, जो आपका मतलब यहाँ पे जो आंसर मिला है 4 कड़ी में 2 अपान में 2 कीजिए, जिसे आपने यहाँ पे किया है, जिसे आपने यहाँ पे जब थीटा की वैल्यू आप रखेंगे 45 डिग्री रखेंगे, इसकी वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी आपकी 1/√ आपके 2 आ जाएगी। ऊपर नीचे हम रूट 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दें, ये आपका इतना तो है ही है, रूट 2 से ऊपर नीचे क्या कर दें, गुणा कर दें, तो ऊपर देख कितना मिल जाएगा आपका 4 कड़ी में 2 मिल जाएगा, और नीचे कितना आपका 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास देखिए आंसर मिलेगा डी ऑप्शन मिल जाएगा। थोड़ा सा मतलब आपको बुरा भाग यहाँ पे करना पड़ेगा, लेकिन सबसे बेस्ट आपको जो पड़ेगा यहाँ पे थीटा की वैल्यू आपको रखना पड़ेगा 45 डिग्री रखना पड़ेगा, ठीक है। चलते हैं आपके नेक्स्ट आपके सवाल पे। आपका जो अगला यहाँ पे है, इस सवाल को आप खुद कीजिएगा, एकदम सेम टू सेम आपका सवाल। एक्स की वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे और वाई की वैल्यू आप पुट करेंगे, उसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। इस सवाल को कर लीजिएगा आप खुद, कठिन नहीं है। या तो थीटा की वैल्यू को ही पुट कीजिए, थीटा की वैल्यू आप पुट करेंगे वहां से, थीटा की वैल्यू पुट करने से अच्छा आप पूरी वैल्यू यहां पुट कीजिए, सबसे आसान पड़ेगा, ठीक है, करके देखिएगा आसान आपका है। एक सवाल इसके बेस पे हमने वहां पे किया भी सवाल को है। चलते हैं आपके अगले सवाल पे। ये आपके देखिए सीरियस के एग्जाम का पूछा हुआ है, जो आपके साल आपका पेपर हुआ है उसमें आपका पूछा गया है, सीडीएस 2023 के एग्जाम में आपका पूछा गया है, ठीक है। तो कैसे आप करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे जो देखिए आपको ये आपका 1 cot² θ क्या होता है, आपका cosec² θ होता है, और ये चीज आपकी जो लिखी गई 1 cos है, 1 cos है, क्या आ जाएगा, 1 cos² θ आ जाएगा। ये जो आपकी चीज यहाँ पे लिखी है इसको आप कह सकते हो 1 cos² θ हो जाएगा। अब इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, इसके स्थान पे आपका आ जाएगा sin² θ आ जाएगा, sin² θ माइनस इसके स्थान पे क्या आपका आ जाएगा यहाँ पे sec² θ आ जाएगा। ये जो आपका यहाँ पे लिखा 1 plus sin 1 minus sin क्या आ जाएगा, 1 minus sin² θ क्या आपका आ जाएगा, ये देख रहे हैं इसके स्थान पे 1 minus sin² θ आपका आ जाएगा। तो 1 minus sin² θ इसके आसन पे आप लिख सकते हैं cos² θ आपका आंसर। तो यहाँ पे देखें ये आपस में क्या, तो उल्टे इसकी वैल्यू आपकी 1 आ सके, इसकी वैल्यू कितना कट पिट के 1 आ सके, तो 1 minus 1 इक्वल टू कितना आएगा 0, तो हमारे पास 0 मिल जाएगा। एकदम देखिए पूरी पूरे जो ये सवाल है ना आपके आइडेंटिटी के बेस पे आपके हैं, ठीक है। अगला सवाल देखें यहाँ पे, ये आपके सामने अगला सवाल, यहाँ पे समझिए सवाल को अगर समझते हैं। एक चीज देखिए हमने आपको बताया था, ध्यान दीजिएगा, ये आपको हमने देखिए बताया है, एक बार फिर से चर्चा कर दें यहाँ पे। जैसे आपका यहाँ पे दिया है sec² θ + cos² θ आपका दिया, cosec² θ दिया, इसको हम साइन कॉस में चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको चेंज करेंगे कितना sin² θ मिलेगा, इसको चेंज करेंगे तो कितना मिलेगा, इसको जब चेंज करेंगे आपका जो मिलेगा यहाँ पे cos², इसको जो चेंज करेंगे कितना मिलेगा sin² मिलेगा, ऊपर जब यहाँ पे गुणा करेंगे इसको वहाँ पे गुणा करेंगे तो मिलेगा आपका क्या, sin² θ + cos² θ मिलेगा यहाँ पे, और अपान में कितना आ जाएगा यहाँ पे cos² θ। ये चीज़ देखिए आपको बताया था, अभी दिखाया आपको, जो आपको डायरेक्ट निकलेगा यहाँ पे रिजल्ट जो निकलेगा ये आपका, इसकी वैल्यू कितनी आपकी 1 आ जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी आपकी 1 आ जाएगी, है कि नहीं। तो 1/ आपका जो होता है sec क्या होता है, आपका sec² θ होता है, 1/ जो होता है cos होता है आपका sec² होता है, 1/ जो sin होता है आपका cosec होता है। तो इस पूरे के स्थान पे यहाँ पे रख सकते हैं sec² θ इंटू में cosec² θ, ऐसा हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर ये चीज़ कहीं पे लिखी गई इसके आसन पे, ये चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक। तो आप बताइए इसके आसन पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा,
इसके आसन पे जो आपका मिलेगा यहाँ पे ना, आप देखिए इसके आसन भी क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ऊपर रूट में जो होगा, अगर रूट हटाएंगे तो आपका स्क्वायर हट जाएगा, सेक थीटा इंटू में से होगा कोसेक थीटा आपका हो जाएगा, कोसेक थीटा, ये आपका टेन प्लस जो कॉट दिया है, टेन प्लस कॉट को साइन अपान में जब कॉस चेंज करेंगे ना, साइन अपान में क्या, देखिए इसको भी देख लीजिए, कॉस थीटा कॉस अपान में क्या होगा, साइन होगा, ऐसा होगा, यहाँ पे साइन कॉस में चेंज करेंगे तो ऊपर का यहाँ पे करेंगे गुणा, इसका यहाँ पे करेंगे गुणा, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कितना आपका एक आ जाएगा, तो यहाँ पे एक बटे से मिलेगा कॉस मिलेगा, और यहाँ पे कितना साइन मिलेगा, इसको फिर चेंज करेंगे तो सेक मिलेगा इंटू में क्या मिलेगा, कोशेक मिलेगा, ऐसा होगा तो सेक इंटू में कोशेक आपका आ जाएगा, तो ये देखिए यहाँ पे नीचे भी आपका जो मिलेगा सेक इंटू में क्या मिलेगा, कोसेक आपका मिलेगा, तो यहाँ पे क्या होगा आपका कट के आपका एक मिल जाएगा, है बग नहीं यहाँ पे, आप बताइए यहाँ पे ये तो आपका कट के पूरा एक आएगा, ये सेम आपकी यहाँ पे चीज है मिली ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसके स्थान पे आपका क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा आपका आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये यहाँ पे कितना मिलेगा, कॉस थीटा, ठीक, और नीचे आपका जो यहाँ पे है साइन थीटा, वन प्लस क्या है साइन थीटा, ऐसा आपका दिया गया यहाँ पे, ऊपर कॉस कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा, वन प्लस कॉस थीटा मिलेगा, ऊपर जब कॉमन करेंगे, नीचे देखिए आपका साइन थीटा वन प्लस आपका कॉस थीटा हो जाएगा, तो ये चीज़ आपकी कैंसिल, यहाँ पे कॉस अपान में साइन क्या होता है आपका कॉट होता है, तो कॉट थीटा हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आंसर आपका मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इस चीज़ को देखिए आप आसान, अगर आपको याद है चीज़ें तो आप इस चीज़ को बहुत इजीली कर सवाल को, ठीक है, सवाल को मुश्किल से आप कर सकते हैं, बस आपको समझाने में थोड़ा हमको टाइम लगा यहाँ पे, क्योंकि हमको देखिए ये रिजल्ट पता है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो आपका होता है यहाँ पे वो आपका आता है इंटू में आपका आता है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू में कोशेक स्क्वायर थीटा आ जाता है इंटू में आपका, ये भी हमको पता है, ये जो आपका आता है अगर कहीं पे लिखा आपका टेन थीटा प्लस कॉट थीटा लिखा, इसको आप क्या कर सकते हैं, सेक थीटा इंटू में कोसेक थीटा भी इसको कर सकते हैं, ये दोनों को दोनों आपके चीज़ें आपके समान यहाँ पे हैं, ठीक है। और सर ये पेपर आपका देखिए मेंस के पेपर का पूछा हुआ है ये भी, और अगला भी आपका सवाल देखिए मेंस के पेपर का ही पूछा हुआ है, धीरे धीरे देखिए आपका लेवल अब बढ़ने वाला है, धीरे धीरे आपका लेवल यहाँ बढ़ेगा, सवाल यहाँ पे आपका होगा प्लस होगा, ये आपका यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। फिर से देखिए आपका वही सवाल, अगर इसको हम चेंज करते तो क्या मिलेगा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या आ गया, सेक स्क्वायर थीटा आपका, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोशेक स्क्वायर थीटा, जो अभी आपने जाना ये दोनों आपस में क्या, यहाँ प्लस का चिन्ह लगा है, सेक है कोशेक स्क्वायर में, स्क्वायर में है तो क्या इंटू में आपका आ जाएगा, इस पूरे के स्थान पे हम यहाँ पर लिख सकते हैं सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू में क्या आपका आ जाएगा, कोशेक स्क्वायर थीटा आपका मिल जाएगा, यहाँ पे ऐसा होगा। ऊपर देखें इसको आप क्या करेंगे, साइन कॉस में जब चेंज करेंगे, साइन कॉस में है ना, जब इसको साइन कॉस में आप चेंज करते तो क्या मिलेगा, ये देखिए आपका डिवाइड तो होगा ही होगा, जब साइन कॉस में आप चेंज करेंगे यहाँ पे ना, जब साइन कॉस में आप चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, ये आपका साइन अपान में कॉस, ए अपान में वन अपान में कॉस, ऊपर जो कॉस कॉस कैंसिल आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, लिख के बता रहे हैं आपको, साइन क्यूब थीटा यहाँ पे कितना होगा, कॉस क्यूब थीटा होगा, और अपान में कितना यहाँ पे हो जाएगा, ये आपका जो वन अपान में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये आपका यहाँ पे क्या होगा, कॉस क्यूब थीटा साइन क्यूब थीटा अपान में जो होगा, यहाँ पे अपान में जो होगा वन अपान में साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा इंटू में जो होगा कॉस थीटा आपका आ जाएगा, तो यहाँ देखिए आपका तीन बार लिखे गए, तो यहाँ से दो आपके कैंसिल हो जाएंगे, है ना,
तो आपका बसा कहाँ पे, जो बसेगा आपका यहाँ पे ना, यहाँ पे जो बसेगा आपका साइन क्यूब थीटा अपान में कॉस बचेगा, है ना। साइन क्यूब थीटा अपान में जो कॉस बचेगा, साइन क्यूब थीटा अपान में जो बचेगा कॉस बचेगा, और यहाँ पे जो बचेगा कॉस क्यूब थीटा अपान में क्या साइन बचेगा। यहाँ पे देखिए आपका जो ये डिवाइड में है, ये आपका जो डिवाइड में टू साइन थीटा इंटू में जो होगा कॉस थीटा आपका बचेगा। ठीक, अब ये चीज आपको दिखा दे रहा है यहाँ पे, इसका गुणा आप यहाँ पे करेंगे, इसका गुणा आप यहाँ पे करेंगे, जो ऊपर मिलेगा साइन की पावर 4 थीटा, यहाँ पे से मिलेगा कॉस की पावर 4 थीटा, अपान में क्या मिलेगा साइन इंटू में कॉस मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को देखिए बहुत ध्यान समझिएगा, ये आपके चीज़ यहाँ पे क्या लिखने हो, तो आपको पता होगा ये अगर साइन की पावर क्या 4 थीटा है प्लस कॉस की पावर 4 थीटा है, तो इसके स्थान पे हम लिख क्या सकते हैं, इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसके स्थान पे लिख सकते हैं। तो आप बताइए यहाँ पे, देखिए आप शुरुआत में देखेंगे सब कुछ इसको हमने बताया हुआ है, तो ऊपर जब यहाँ पे गुणा करेंगे, इसका यहाँ पे गुणा करेंगे, ऊपर जो मिलेगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा अपान में कॉस इंटू में साइन होगा, तो ऊपर जो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा क्या देगा आपका, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा होगा, ये जो आपका नीचे कितना मिलेगा कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा आपका ऐसा होगा, और ये चीज़ आपकी यहाँ पे बटे में है, बटे को आप जब यहाँ पे करेंगे तो क्या मिलेगा, टू क्या मिलेगा आपका, 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। तो यहाँ पे देख रहे हैं जब गुणा आप करेंगे स्क्वायर में चीज़ें हो जाएंगी, जब आप गुणा यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर, ये आपका 2 दे देगा, ऐसा आपका होगा भाई। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, जब एक बार इसके बटे करेंगे, एक बार इसके बटे करेंगे, तो जब एक बार इसके बटे करेंगे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, जब इसके बटे करेंगे ना, जब इसके आप बटे करेंगे यहाँ पे जो मिलेगा आपका 1/2, तो आप इसको निकाले दीजिए, तो आपका मिलेगा यहाँ पे क्या 1/2, क्या मिलेगा ये आपका 1/2 आपका मिलेगा यहाँ पे सेक मिलेगा, और 1/cosec क्या मिलेगा आपका यहाँ पे स्क्वायर में चीज़ें मिलेंगी, क्या लगता है। ये जो आपका मिलेगा यहाँ पे स्क्वायर में सब कुछ मिलने लगेगा, कहीं पे गलती हुई क्या, यहाँ तो सब कुछ सही है, ये आपका यहाँ पे था। बाकी देखिए इस चीज़ को देखिए आपको यहाँ पे करना होगा, ये देखिए आपके, ये आपके भागे देखिए यहाँ पे पूरा सब कुछ देखिए गड़बड़ा गया मैटर आपका यहाँ पे, ये आपका प्लस तो है ही है, पूरी गड़बड़ी, हमने भाग को देख के ध्यान नहीं दिया, थोड़ा ध्यान दे फिर से इसको, फिर से इसको डिटेल में लगाया था बढ़िया से, पूरा ध्यान दीजिएगा, फिर से इसको लगा रहे हैं। इसको देखकर डिवाइड, इसको बाद छोड़ेंगे, ठीक है। आपको पता है जब इसको सॉल्व किया था तो ऊपर से मिला था साइन की पावर 3 थीटा अपान में कॉस मिला था, और इसको जो आपने सॉल्व किया था कॉस की पावर 3 अपान में क्या साइन मिला था, ठीक। ये आपका यहाँ पे प्लस था, तो प्लस आपका 2 साइन थीटा इंटू में क्या कॉस थीटा है, इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको सो ऊपर नीचे मिलेगा साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा क्या मिल जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा होगा। नीचे आपका सो मिलेगा यहाँ पे, नीचे आपका सो मिलेगा यहाँ पे ना, ये आपका कॉस थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे सो आपका मिलेगा साइन थीटा आपका हो जाएगा, ये प्लस आपका यहाँ पे 2 साइन थीटा इंटू में जो कॉस थीटा है, ऐसा आपका यहाँ पे दिया हुआ है। जब एक बार इसके बटे करेंगे, एक बार इसके बटे करेंगे, जब एक बार इसके बटे यहाँ पे करेंगे ना, तो क्या मिलेगा आपका,
सवाल तो मिस्टेक वैसे कहीं पे नहीं है। कैसे यहाँ पे जब इसके बटे आप करेंगे यहाँ पे जो मिलेगा आपका ना, ये आपका सेक थीटा, इसके बटे करेंगे आपका कोसेक थीटा आ जाएगा। जब इसके बटे करेंगे आपका यहाँ पे क्या मिलेगा, टू, ये आपका कॉस कॉस एक कैंसिल, यहाँ पे साइन साइन कैंसिल, तो मिलेगा टू साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा मिलेगा। ये आपका प्लस कितना है, टू साइन थीटा इंटू में क्या है, कॉस थीटा आपका आ जाएगा। ये चीज देखिए आपकी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी, जो बचेगा आपका सेक इंटू में कोशेक फाइनली जो बचेगा, इसको आपने जो सॉल्व किया है, जो मिला आपका सेक इंटू में कोशेक मिला है, ठीक है, सेक इंटू में जो कोशेक आपका मिला है, सेक इंटू में कोशेक, तो अब यहाँ पे क्या आपका आ जाएगा, जो आपने सॉल्व किया सेक इंटू में जो कोशेक मिला है, इसको सॉल्व करने के बाद सेक थीटा इंटू में जो आपका कोशेक मिला है, ये आपको पता है भाग में है, भाग में आपके यहाँ पे क्या मिल जाएगी, सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा, या आपकी कोशिक स्क्वायर थीटा मिलेगा। ऐसा होगा तो एक सेक से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये आपका यहाँ से कैंसिल, एक बटे सेक क्या देगा आपका, कॉस देगा, एक बटे कोशिक क्या देगा, साइन देगा। तो यहाँ पे कौन सा आपका ऑप्शन दिखाई दिया हमारे पास, ये आप थोड़ा सा लेंदी था, थोड़ा सा 20 मिनट को सोचना पड़ गया, बाकी आसान था, ठीक है, क्योंकि हम देखे मिस्टेक एक बार हो चुके, क्योंकि ये जो आपकी चीज़ें यहाँ पे छूट चुकी थी, ठीक है, हमने इसको डिवाइड में लिख दिया था, तो वहाँ पर थोड़ा सा लेंदी इसलिए 20 मिनट मिस्टेक थोड़ा हो गई। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, लगे भाई, और वीडियो को ज़्यादा आप शेयर कीजिए, ठीक है।